बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ, पाठ 10, अपूर्व अनुभव, जिसके कुछ अंश को मैंने पढ़ा दिया है और उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है, आपने उसे देखा होगा। तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त सार इसके पहले वाले वीडियो का बता के फिर आपको आगे से पढ़ाऊंगी, जहाँ से मुझे पढ़ाना है उस अनुच्छेद की पहली पंक्ति मैं लिख दे रही हूँ। जब तो चाल स्कूल पहुंची, तो यहीं से मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसके पहले की कहानी को मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि किस तरह एक लाचार बालक अपने मन की इच्छा को पूरी नहीं कर पाता, लेकिन कोई अच्छा दोस्त मिल जाए तो कभी कभी असंभव कार्य भी संभव दिखाई पड़ने लगते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि बार बार कोशिश करने पर हम न पूरा होने वाले कार्य को भी पूरा कर लेते हैं, यही पाठ में बताया गया है। और सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चांद के लिए एक बड़ा साहस का दिन था। उस दिन उसने यासुकी चांद से मिलना था। इस बात का पता उसके माता पिता और यासुकी चांद को नहीं था। उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का मौका दिया था। तोतो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। तोतो चांद हमेशा खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उसी पेड़ पर मिला करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते थे। यासुकी चांद को पोलियो था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था और किसी भी पेड़ को निजी संपत्ति भी नहीं मानता था, इसलिए क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता था। तो जब सारे बच्चे उस पेड़ पर चढ़ते थे तो वो कहीं किनारे खड़ा चुपचाप उन्हें देखा करता था, क्योंकि वो सक्षम नहीं था कि किसी भी पेड़ पर चढ़ सके या कोई उसे चढ़ा सके, इसलिए उसकी कोई अपनी निजी संपत्ति नहीं थी। इसलिए तोतो चांद ने उसे पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि अगर बड़ों को पता चलता तो कि तोतो चांद यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए निमंत्रण दी है, तो संभवतः इतना बड़ा खतरा उठाने के लिए उसे डांट पड़ती, मार पड़ती, मना किया जाता। और उसके उसके मन में ये ठान लिया था, उसके मन में ये आ गया था कि वो अपने इस विकलांग दोस्त को भी किसी न किसी दिन पेड़ पर जरूर चढ़ाएगी, जहाँ बैठकर सारे बच्चे खुशी का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी निजी संपत्ति है। और उस निजी संपत्ति पर जाने के लिए आज्ञा लेनी पड़ती थी कि क्या मैं आपके पेड़ पर आ सकता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे कि हम किसी के घर जाने पर उसके घर के अंदर प्रवेश करने की आज्ञा लेते हैं, किसी कार्यालय में, प्रधानाचार्य के ऑफिस में, तो ये एक नियम है
वैसा ही करते थे। लेकिन तोतो चान यासुकी चान को चढ़ाना तो चाहती थी, मगर यासुकी चान उम्र में तोतो चान से एक वर्ष बड़ा था और विकलांग होने के कारण तोतो चान के लिए उसे पेड़ पे चढ़ाना बहुत कठिन कार्य था। और इस कठिन कार्य को अंजाम देने के लिए उसने बिना माँ से बताए नजरें झुकाए हुए आज्ञा लेती है कि वो यासुकी चांद के घर जा रही है। तो ये कहानी का इतना अंश मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है आपको, सिर्फ मैंने इसमें इसलिए दोहरा दिया कि आपको पाठ का जो क्रम है वो अधूरा ना प्रतीत हो और एक जैसा समानता लगे, इसलिए पहले वीडियो की चीज को संक्षेप में दोहरा के ही मैं आगे बढ़ती हूँ ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। अब मैं उस अंश को पढ़ना शुरू करती हूँ जहां से आज मुझे पढ़ाना है। तो जब तोतो चांद स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चांद उससे कुल जमा एक वर्ष बड़ा था, पर तोतो चांद को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। अब यहाँ पर तोतो चांद स्कूल पहुँचती है, गले में पास लटका हुआ है, कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड की तरह समझ लीजिए, और यासुकी चांद उसे पेड़ की क्यारियों के पास मिल जाता है। गर्मी की छुट्टियां प्रारंभ हो गई थी जिसके कारण चारों ओर सूनापन था, बच्चे नहीं थे। अब यासुकी चांद उससे कुल जमा एक वर्ष, देखिए शब्द बोलने का ये एक तरीका है, पूरा पूरा हम लोग कहते हैं ना बिल्कुल एक वर्ष पूरा निश्चित, तो इसको एक अलग भाषा में यहाँ कहा गया है कुल जमा एक वर्ष, यानी कि कुल एक वर्ष उससे बड़ा था। लेकिन शब्दों का प्रयोग भाव अभिव्यक्ति के लिए उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके कुल जमा एक वर्ष कहा जाता है, जो बोलचाल की भाषा में समझने के लिए आसान होता है। तो यहाँ पर भी यहाँ लेखक ने बताया है कि कुल एक वर्ष का अंतर यासुकी चांद और तोतो चांद के बीच में था, लेकिन तोतो चांद को वह अपने से बहुत बड़ा लगता है। तो बच्चों मैंने उस दिन भी बताया था, आज फिर दोहरा रही हूँ कि चूंकि यासुकी चांद एक पोलियो ग्रस्त बालक था और पोलियो ग्रस्त बालक का जो शरीर होता है वो न चलने के कारण थोड़ा थुलथुला, बेढक, बड़ा लगने लगता है, उनका विकास जो होता है वो सही ढंग का नहीं होता, जिसके कारण चलना फिरना तो मुश्किल रहता ही है, और ऐसी स्थिति में भोजन करना और पड़े रहने की स्थिति में शरीर में अलग से थुलथुलापन आ जाता है। और तोतो चांद से वो एक वर्ष बड़ा होने पे भी वो उसे बहुत बड़ा लगता था। और पेड़ पे चढ़ाने की बात की जाए तो पेड़ पे चढ़ाना तो उस तोतो चांद के लिए बहुत कठिन काम था, लेकिन फिर भी उसे हमेशा ये लगता था कि सारे बच्चे पेड़ पर चढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खुशी होते हैं, मगर यासुकी चांद नीचे बैठा बैठा विकलांग होने के कारण सबको देखता है, चढ़ नहीं सकता। इसलिए उसने ठान लिया कि वो उसे अपने पेड़ पर चढ़ाएगी अवश्य, और जिसके कारण वो माँ से झूठ बोलकर वहां पहुंच जाती है। जैसे ही यासुकी चांद ने तोतो चांद को देखा वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चांद उत्तेजित थी,
वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उत्तेजना में ठिठिया कर हंसने लगी। यासुकी चांद भी हंसने लगा। तो चांद ने तो ठान ही लिया था कि वह यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाएगी। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर यासुकी चांद पहले से खड़ा है, और तोतो चांद को देखते ही वो पैर को घसीटते हुए, पोलियोग्रस्त बालक पैर को पूरी तरह से रख कर नहीं चल पाते, वे शरीर का बैलेंस बनाने के लिए किस एक सतर्क रूप में सीधा हो, हाथों को फैलाकर या लकड़ी के सहारे, बैसाखी के सहारे पैरों को घसीटकर, खींचकर चलते हैं दबाकर, ताकि पूरे शरीर का जो संतुलन है, बैलेंस जो है वो बना रहे। और उसमें कभी कदा ऐसा होता है कि कोई भी उबड़ खाबड़ या थोड़ी ऊंचे नीचे रास्तों पर होने के कारण उनका संतुलन बिगड़ जाता है, तो चोट चपेट लगने की भी आशंका रहती है। तो पैर को घसीटता हुआ उसकी ओर आया तो जान भी बड़ी खुश हो जाती है। उसे देखकर बड़ी उत्तेजना थी उसके मन में, और वो उत्तेजना थी कि आज वो यासुकी चांद को अपने पेड़ पर अवश्य चढ़ाएगी। और सबसे अच्छी बात कि इस बात का पता उसने किसी को नहीं बताया था, ना दोस्तों को, ना घर में, ना माता पिता को। और इस काम को वो अंजाम देने की कोशिश कर रही थी, हालांकि जो काम था बहुत अधिक बड़ा था, उसके लिए जिम्मेदारी का था। अगर चोट चपेट लग जाती तो संभवतः कोई बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। तो जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। इसलिए हंस पड़ते हैं कि तोतो चांद को तो खुशी थी कि आज वो यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाएगी, और यासुकी चांद इसलिए प्रसन्न था कि आज इतने इतने जमाने के बाद उसे कोई तो उसका मित्र है जो उसे पेड़ पर चढ़ाकर दुनिया की खूबसूरती, वहाँ का सुंदर नज़ारा दिखाना चाहता है। तो दोनों बड़े खुश हैं, इसलिए एक दूसरे को देखकर ठिठिया कर हंस दिए। शब्द देखिए कितना सुंदर प्रयोग किया है, खिलखिलाकर हंसने के लिए ही कहा है कि ठिठिया कर हंस दिए, यानी कि गला खोल कर, खूब खुल कर हंसने लगते हैं। अब तोतो चांद यासुकी चांद को पेड़ की ओर ले गई, और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। अब यासुकी चांद को साधारणतः चढ़ाना तो आसान था नहीं तोतो चांद के लिए, न वो उसे उठा सकती थी, न उसे लेकर कंधों पर पेड़ पे चढ़ सकती थी, वो तो कुल मिलाकर उससे एक वर्ष छोटी ही थी। तो चुपचाप यासुकी चांद को ले आती है, पेड़ के पास टिका कर खड़ा कर देती है, और कोई रास्ता तो उसे चाहिए तो वो सीधे भागती है कहाँ, चौकीदार की कोठरी के भीतर, कि वहाँ कोई ना कोई सामान उसे अवश्य ऐसा मिल जाएगा जिसके सहारे वो यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ा देगी। तो उसे वो छप्पर के पेड़, चौकीदार पेड़ के किनारे की ओर ले जाती है, और खुद भागकर चौकीदार के छप्पर की ओर, कुटिया की ओर जहाँ वो रहता था, जाती है। जैसा उसने रात को ही अपने मन में सोच लिया था कि चढ़ाने के लिए उसे क्या क्या करना है, ठान लिया था चढ़ाने के लिए, तो उसने उपाय भी सोच लिए थे। और वहाँ जाती है, एक सीढ़ी घसीटती हुई लाती है। तोतो चांद भी बहुत बड़ी नहीं थी, तो उसके लिए भी अकेले एक सीढ़ी उठाकर लाना, यासुकी चांद को पेड़ पे चढ़ाना बहुत सरल काम नहीं था, लेकिन ठाना था उसने, इसलिए वो जाती है और वहाँ से एक सीढ़ी घसीटती हुई लेकर आती है। तने के सहारे उसे लगा देती है। तने के सहारे यानी पेड़ का जो तना है, जो नीचे का हिस्सा होता है, उस पे लगा देती है।
और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लेती है। तब उसने पुकारा, ठीक है अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यानी उसे तोतो चांद ने सीढ़ी को पेड़ के सहारे पर टिका दिया और पीछे से यासुकी चांद को धक्का देते हुए कि अब तुम इस पे, मैं तुम्हें पीछे से उठा रही हूँ, धकेल रही हूँ, और तुम अपना पाँव उठाने की कोशिश करो और सीढ़ी पर पाँव रखो और पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करो। अब ये प्रक्रिया जो थी तोतो चांद के लिए बहुत कठिन थी, लेकिन वो बहुत हिम्मती थी, उसने तो सोच लिया था। लेकिन यासुकी चांद के पैर तो बहुत कमजोर थे, पोलियोग्रस्त होने के कारण उसके पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो सीढ़ी के डंडे पर पांव रखकर सीधा खड़ा हो जाए, वो तो पैरों को घसीट घसीट कर चलता था, तो बहुत कमजोर थे। वह पहली सीढ़ी पर बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। अब सीढ़ी के जो पहला डंडा होता है जिस पे पांव रखकर ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, वहां पर ला करके तोतो चांद ने यासुकी चांद को पीछे से धक्याना शुरू किया, ढकेलना शुरू किया कि और कहा कि अपने पैरों को उठाकर डंडे पर रखो। लेकिन यासुकी चांद के लिए बहुत कठिन काम था, पीछे से उसे धकेल रही है, पर तोतो चांद थी छोटी। अब ये तो सच है कि तोतो चांद यासुकी चांद से छोटी भी थी, एक वर्ष। साथ ही साथ यासुकी एक विकलांग बालक है जिसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, पोलियोग्रस्त है। ऐसी स्थिति में वो भला अपने आप सीढ़ियों पे पांव रखकर कैसे पेड़ पे चढ़ जाता, बिल्कुल कठिन था बल्कि असंभव था। यासुकी चांद को चढ़ाना तोतो चांद के लिए बहुत कठिन हो गया था क्योंकि वो उससे उम्र में छोटी थी। नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। अब एक वर्ष छोटी होने के कारण उस विकलांग बालक को चढ़ाने की जितनी कोशिश वो कर सकती थी उतनी उसने की, इससे ज्यादा वो कर भी नहीं सकती थी। इससे ज्यादा उसके बस के बाहर था कि वो यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ा सके। यासुकी चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अब एक विकलांग बालक की स्थिति को आप अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचिए कि उससे उम्र में छोटी तोतो चांद दौड़कर एक सीढ़ी लाती है, उसे ये लगता है कि यासुकी चांद उसे हिम्मत है और उस हिम्मत के चलते तोतो चांद उसे पीछे से धक्का देकर अगर थोड़ा चढ़ाने की कोशिश करेगी तो वो चढ़ जाएगा, तो वो धक्याती है। अब उस बच्चे का पांव तो सीढ़ी के डंडे पर टिक ही नहीं रहा था, तो बहुत हताश हो जाता है, निराश हो जाता है कि सारा परिश्रम बेकार है, मैं चढ़ नहीं पाऊंगा। तोतो चांद भी दुखी हो जाती है क्योंकि उसने बड़ी उम्मीद दिला दी थी यासुकी को कि वो उसे पेड़ पर, अपने पेड़ पर चढ़ाएगी, लेकिन उसे ये लगने लगता है कि इस कार्य को करना बहुत कठिन है, तो हताशा से वो बिल्कुल पांव नीचे रखकर एक किनारे खड़ा हो जाता है, चेहरा लटका लेता है, इतना उदास हो जाता है। उदास तो तोतो चांद भी हो जाती है, मगर अगर तोतो चांद भी उदास हो जाएगी तो यासुकी को चढ़ाना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए नन्ही सी तोतो चांद जब यासुकी अपने चेहरे को लटका लेता है, दुखी हो जाता है, हताशा से भर जाता है, निराशा से भर जाता है,
उसे ये लगता है कि अब चढ़ाना उसे बहुत कठिन है, तो चांद जोर से हंस पड़ती है, गाल फुलाकर को चेहरे को बनाकर यासुकी चांद की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। और हंसने इसलिए लगती है कि यासुकी चांद को जो ये लगने लगा था कि वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा, हताश हो गया था, निराश हो गया था, तो उसका मन टूट जाएगा, इसलिए वो खिलखिलाकर हंसने लगती है कि यासुकी चांद के मन में जो दुख है वो कम हो जाए। तरह तरह का चेहरा बनाने लगती है कि सब चेहरे को देखकर उसका उसे उसका गम भूल जाए और वो खुशी हो जाए। अब जब तोतो चांद ने देखा कि सीढ़ी के ऊपर पांव रखकर यासुकी चांद को चढ़ाना तो बड़ा कठिन है, अब उसके दिमाग में दूसरी बात चलने लगती है कि अब क्या किया जाए, अब कौन सा ऐसा उपाय ढूंढूं कि यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाऊं। और उसने ठान लिया था कि कैसे भी हो, उसकी दिली इच्छा है कि एक बार वो यासुकी चांद को किसी तरह अपने पेड़ पर चढ़ाकर नजारे को दिखा दे। तो उसने कहा कि ठहरो, एक बात सूझी है। फिर उसे लगता है कोई दूसरा उपाय निकालना चाहिए, तो यासुकी चांद को समझाती कि घबराओ नहीं, तुम रुको यहीं पर, मुझे एक बात और सूझ रही है, मैं उसको करके देखती हूँ, शायद मैं तुम्हें चढ़ा लूँ। तो वो हिम्मत करके सोचती है, एक बात और सूझी, फिर वो भागती है चौकीदार के छप्पर की ओर, उसके झोपड़ी की ओर, और वहाँ रखे हर एक सामान को देखती है कि कौन सा ऐसा सामान पा जाती कि वो पेड़ के सहारे उसे लगा देती और यासुकी चांद को पेड़ पे चढ़ा देती। तो उसने सारी चीजों को वहां के उलट पुलट दिया, देखती रही। अचानक उसे एक तिपाई सीढ़ी, एक होती है सीढ़ी और एक होती है तिपाई सीढ़ी। तो जो सीढ़ी होती है वो तो बिल्कुल बांस की बनी हुई लंबी होती है, डंडे की तरह उसमें लगे होते हैं, एक तो ऐसी सीढ़ी होती है जिस पर एक विकलांग बालक को चढ़ाना बहुत कठिन होता है, इसको पेड़ के सहारे टिकाकर यहाँ से पैर रख के दबा के वो चढ़ा देगी। लेकिन इस पर यासुकी चांद को चढ़ाना बहुत कठिन था, तो उसने एक तिपाई सीढ़ी ली। तिपाई सीढ़ी का मतलब होता है जैसे उस पर ये गोल हो और यहाँ पर उसका एक डंडा हो, एक डंडा उसका यहाँ हो और एक डंडा उसका जो है पीछे की ओर हो, जिससे कि वो टिक जाए। ऐसा तिपाई सीढ़ी पर रखकर, पांव रखकर, तो वो उसे घसीट उसीट के ले आती है, किसी तरीके से उस स्टूल को लाती है और आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। अब उसे इस वाली सीढ़ी के तरह पकड़ करके डंडे को खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, तो वो आसानी से यासुकी चांद को पीछे से धकेल कर ऊपर चढ़ा देगी। ये सोचकर उसने तिपाई सीढ़ी लाती है और वहाँ पेड़ के पास लगा देती है। अब उसे पकड़ने की जरूरत नहीं थी, तो वह जाती है और वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। अब चूंकि मन में देखिए जब कुछ करने की हिम्मत, ताकत और ललक, इच्छा जग जाए तो कोई भी कठिनाई उस काम को करने से बच्चे को रोक नहीं सकती। यही शिक्षा यहां पर दी गई है कि अगर आप करना चाहोगे
तो जहां चाह वहां राह। अगर आपने चाह लिया, ठान लिया, तो फिर आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करनी होगी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आप किसी भी काम को करने में सफल ना हो। तो इसलिए तोतो चांद ने सोचा कि अब कुछ भी हो जाए, सिपाही सीढ़ी को पकड़ना नहीं है, वो किसी भी तरह से सहारा देके यासुकी चांद को चढ़ाकर ही रहेगी। और वो जाती है, उसे घसीटते हुए चौकीदार के छप्पर से लाती है, और ऐसा लगता है कि जैसे अचानक उसके अंदर बहुत सारी शक्ति आ गई हो, बहुत सारी ताकत हो गई हो, क्योंकि उसके अंदर जोश था, उत्साह था कि उसे तो ये काम करना ही है, और उसने किसी को बताया भी नहीं था। अगर उसे हिम्मत नहीं दिखाई तो फिर ये काम नहीं हो सकता, इसलिए उसने हिम्मत के लिए पूरे जोशो खरोश के साथ सीढ़ी को घसीटते हुए वहां लाती है। और तिपाही की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। अब तिपाही जो थी वो काफी ऊंची थी, और जहां पर पेड़ की द्विशाखा होती है, द्विशाखा मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था किसे कहते हैं, यानी पेड़ की एक डाल के साथ दूसरी डाल भी निकली हो। पेड़ की आपकी जो डाल होती है उस डाल में अगर आपकी एक डाल यहाँ जा रही है, ये है, तो यहां तक के बाद यहीं से एक डाल और निकली हो। अब ये हिस्सा जो है वो आपका द्विशाखा के रूप में होता है, ये चौड़ा होता है, इस पे आसानी से अगर कोई सहारा हो तो इस पे चढ़ा जा सकता है, ये मान करके। ये जो होता है ये द्विशाखा का हिस्सा होता है, इसी को द्विशाखा कहते हैं, कि जहां से दो शाखाएं पेड़ की निकली हो। तो वो डगमगाएगी नहीं। अब तिपाही को एकदम द्विशाखा तक पहुंचा दिया उसने। देखो अब मत डरना, उसने बड़ी बहन किसी आवाज में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। अब तोतो चांद ने बड़ी हिम्मत और ताकत के साथ यासुकी चांद की हिम्मत बनाई और उससे कहा कि देखो थोड़ी तुम हिम्मत करो, बहुत हिम्मत मैंने की है कि तुम्हें चढ़ाने की मैंने ठान ली, अब थोड़ी हिम्मत तुम करो, ये बिल्कुल डगमगाएगी नहीं। ये तिपाही है, इसमें तीन पैर हैं, सीधी है, आराम से खड़ी है, मैं तुम्हें सहारा देती हूं और तुम इस पे चढ़ो, लेकिन तुम डरना मत। यासुकी चांद ने घबरा कर तिपाही सीढ़ी की तरफ देखा। अब यासुकी चांद को तो ये लगने लगा कि तोतो चांद ने तो ठान लिया है कि उसे पेड़ पर चढ़ाएगी, और वो हैरान होकर उस तिपाही सीढ़ी को देखता है कि भला वो इस पर कैसे चढ़ सकता है। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, और तोतो चांद छोटी होकर भी बड़ी बहन की तरह उसे हिम्मत दिला रही थी कि तुम चढ़ो, तुम चढ़ो, और द्विशाखा तक ये तिपाही पहुंच गई है तो तुम इस पे चढ़ो, और चढ़ करके तुम, मैं तुम्हें सहारा दूंगी, वहां मैं बैठा कर तुम्हें शहर का जो नजारा है वो दिखाऊंगी। यासुकी चांद ने घबरा कर तिपाही सीढ़ी की तरफ देखा, तब उसने पसीने से तर बतर तोतो चांद को देखा। अब उसको तो घबराहट हो ही रही थी कि वो इस तिपाही सीढ़ी पर कैसे चढ़े। फिर उसकी निगाह उस तोतो चांद पर गई, यानी यासुकी चांद तोतो चांद को जब देखता है कि जिस तोतो चांद ने एक वर्ष छोटे होने पर भी उसे खुद को उस विकलांग बच्चे को चढ़ाने के लिए हिम्मत करके इतनी बड़ी तिपाही को चौकीदार के छप्पर से घसीटते हुए ले आई, पसीने से तरबतर हो गई, और मगर हिम्मत नहीं छोड़ी।
तब उसने पसीने से तरबतर तोतो चांद को देखा। यासुकी चांद को भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा, तब निश्चय किया, निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। तब जो तिपाई सीढ़ी होती है, इस तिपाई सीढ़ी में भी चढ़ने के लिए इस तरीके से सीढ़ियां जैसा बना होता है, जिसपे पांव रख रख करके आसानी से चढ़ा जा सकता है। तो इसको उसने देखा, तोतो चांद को देखा, उसके परेशानी को समझा, दोनों ही पसीने से तर बतर हैं। फिर उसने सोचा कि इस तोतो चांद ने बड़ी हिम्मत करके इस तिपाई सीढ़ी को छप्पर से, चौकीदार के छप्पर से घसीट कर लाई है। तो उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं इस पे चढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक धैर्य और था कि तिपाई है, आराम से जमीन पर स्थिर हो गई है, तो ये हिलेगी नहीं, तो चढ़ा जा सकता है। ये सोचकर, इस सकारात्मक सोच के साथ उसने हिम्मत दिखाई। तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। तब उसने बड़ी हिम्मत के साथ अपने पांवों को उठाया और एक सीढ़ी पर पांव रख देता है। वह दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि वह कितना समय यासुकी चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा। अब लगातार वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था और एक एक सीढ़ी, एक एक डंडे पर पांव रख रहा था। पीछे से यासुकी चांद उसे धकेल रही थी और धकेलने के साथ साथ उसे चढ़ाने की कोशिश कर रही थी। कितना समय लगा इसका अंदाजा और इसको याद करना न तोतो चांद के वश में था और न यासुकी चांद के। बस वो अपने कार्य को निरंतर करते चले जा रहे थे और उन्हें ये लगने लगा था, हो न हो, कैसे भी हो, अब उस तिपाई सीढ़ी के सहारे द्विशाखा तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो सूरज का जो गर्मी की दोपहर का जो समय था, वो सीधा एकदम बिल्कुल सिर पर आ गया और सूरज की धूप पड़ने लगी। पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। यासुकी चांद और तोतो चांद दोनों का ध्यान क्या था कि बस कैसे भी द्विशाखा तक पहुंचा जा सके। तोतो चांद ने नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद की। अब तोतो चांद क्या करती थी, जब एक डंडे पर यासुकी चांद पांव रख लेता तो पैर को पकड़कर उसका दूसरे डंडे पर पांव रखवाती और फिर उसे पीछे से धकेलती। इसी क्रम को करते हुए वो निरंतर कोशिश करती रही और उसे चढ़ाती गई। अपने सिर से वह अपने पिछले हिस्से को भी स्थिर करती और एक बार वो पांव पकड़कर अगले डंडे पर रखती और फिर सर से उसको यूं करके पीछे से धक्का देती कि किसी तरह जोर लग, क्योंकि वो छोटी थी, वो हाथ से तो चढ़ा नहीं सकती थी, तो वो ऐसे करके सर लगाती है कि किसी तरीके से ताकत मिले और उसे चढ़ाया जा सके। फिर जब वो उसे स्थिर कर लेती तो फिर वो उसका दूसरा पांव उठाकर अगली सीढ़ी पर रखती। यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिरकार वह ऊपर पहुंच गया और अंततः ऐसी स्थिति आती है कि यासुकी चांद और तोतो चांद की मिली हुई परिश्रम, मिला हुआ परिश्रम जो था, उस परिश्रम का नतीजा ये हुआ कि अंततः यासुकी चांद ऊपर विशाखा तक पहुंच गया। तो मैंने आपको यहाँ तक की कहानी पढ़ा दी और मुझे उम्मीद है कि अभी एक वीडियो में और इसकी कहानी जाएगी, तो आप इस पाठ पर आधारित सारे वीडियो को अवश्य देखिएगा। आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।